makeup will always look like makeup and not like real skin. तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि मेकअप हमेशा मेकअप की तरह ही दिखता है, स्किन की तरह बिल्कुल नहीं दिखता है. सो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके मेकअप करियर में, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं एज वेल एज जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है. एंड आई विल मेक श्योर कि मेरे चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे. सो आज मैं आप लोगों को बंगाली रिसेप्शन लुक दिखाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ ऑन डस्की स्किन. सो बिना लेट करते हुए चलो मेकअप को स्टार्ट करते हैं. एंड दिस साइड अंजलि वाल्मीकि. अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना. एंड मेकअप स्टार्ट करने से पहले क्लेंजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिमूवर पैड. एंड मैंने इसको वाटर में वेट कर लिया था एंड उसके बाद मैंने क्लीन कर लिया है. एंड आप लोगों को पता है कि मेकअप स्टार्ट करने से पहले CTM प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है, इवन CTMP. मैं प्राइमर बाद में लगाने वाली हूँ. मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया कि CTMP क्या होता है. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो आप लोग जाकर चेक कर लेना. सो यहाँ पे स्क्रीन में ऑलमोस्ट सब चीज़ मेंशन किया हुआ है, वो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, आप लोग देख लेना. आज मैं कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगी, सो आप लोग फॉलो कीजिए. अगर इनकेस कोई चीज़ मिस हो जाता है तो प्लीज़ पीछे जाके देख लीजिए. सो यहाँ पर मैं हाथ से ब्लेंड कर दे रही हूँ. एंड उसके बाद मैं आईब्रो को डिफाइन करूँगी. आईब्रो को डिफाइन करने के बाद मैं उसको अच्छे से क्लीन करूँगी. जो एक्सेस प्रोडक्ट होता है उसको अच्छे से डिफाइन करना है, हाईलाइट करना है बेसिकली. सो मुझे एक चीज़ कमेंट में बताइए कि मेकअप में प्रोडक्ट अच्छा होना ज़रूरी है या फिर टेक्निक्स होने ज़रूरी है. सो आप लोग का क्या मानना है वो मुझे बताइए. मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैं किस चीज़ पर बिलीव करती हूँ. सो यहाँ पर मैं अच्छे से आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ. सो मैं अच्छे से आईब्रोज को स्पूली के हेल्प से ब्रश कर रही हूँ एंड फिर प्रोडक्ट को डिपॉजिट करते हुए फिर ब्रश कर रही हूँ ताकि नीट वाला लुक आए. एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बीच कॉस्मेटिक्स का ब्रश. इनकेस आप लोगों ने अगर बंगाली ब्राइडल लुक मिस किया है या फिर कोई भी मेरा मेकओवर मिस किया है ऑन क्लाइंट्स, ऑन सेल्फ, ऑन मॉडल्स, प्लीज़ जाके मेरे चैनल में चेकआउट कर लेना. सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, इवन स्क्रीन में भी पॉप कर रहे होंगे आई बटन में. प्लीज़ डू चेक बिकॉज इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग मिस करने वाले हैं अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो जाके ज़रूर चेक करना. एंड मैं यहाँ मैंने आपको कहा मैं कंसीलर की हेल्प से आईब्रोज को हाईलाइट कर रही हूँ या फिर एक्सेल जो होता है ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ. एंड आईब्रोज हाईलाइट भी हो जाता है डिफाइन करने के बाद. सो मैं ये स्टेप बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ. एंड यहाँ पे मैं सेम कंसीलर आई लिश में लगा के अच्छे से ब्लेंड करूँगी. सो मैं आज सेम डस्की स्किन में मैं यूज़ बंगाली रिसेप्शन लुक कर रही हूँ. अगर आप लोगों को फेयर स्किन में देखना है तो कमेंट करके बताना, मैं एडवांस लुक लेके आऊँगी बंगाली ब्राइडल का जो कि अभी बहुत ट्रेंडिंग है. एंड बहुत ही ईजी वे में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ. यूजुअल मैंने स्टार्ट किया है उसको सेट करते हुए शुगर के ट्रांसल्यूसेंट पाउडर से बिकॉज बहुत ही अमेजिंग पाउडर है. नेक्स्ट मैं क्रीज में आप लोगों को पता ही है कि मैं ऑरेंज से स्टार्ट करती हूँ एज माई क्रीज कलर. सो यहाँ पे मैं जैसे ब्लेंड 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 कर रही हूँ. एंड ब्लेंडिंग इज़ अ की टू अ गुड मेकअप बेस और आई मेकअप. सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक पर्पल कलर जो कि आप लोग को कार्निवल 3 पैलेट में मिल जाएगा. एंड मैं इसको क्रीज में देके अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. सो एज़ यू नो ब्लेंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड मैं उसको क्रीज वाले ब्रश जो था ना मैं उसे थोड़ा सा क्लीन कर ले रही हूँ. नेक्स्ट मैं ब्यूटीफुल सा हाफ कट क्रीज बना रही हूँ. एंड जस्ट बिकॉज आर आईज वॉज हुडेड सो मैंने सोचा कि क्यों ना फॉल्स कट क्रीज बनाया जाए. सो यहाँ पे मैं हाफ कट क्रीज बना रही हूँ. एंड उसके बाद सिमिलरली मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी. एंड मैं शुगर के ट्रांसल्यूसेंट पाउडर से सेट करूँगी. एंड उसके बाद मैं क्या क्या कलर ऐड करने वाली हूँ वो तो आप लोग देखेंगे. एंड मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कितने कलर से मैं ये लुक को मैंने क्रिएट किया है, आई लुक को क्रिएट किया है. सो मैंने ये पे अच्छा खासा क्वांटिटी लगाया क्योंकि इनका आँख में कोई चीज़ सेट नहीं हो रहा था. सो हमें बहुत अच्छे से धीरे धीरे काम करना है. एंड यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रही हूँ थोड़ा डार्क पर्पल. ये डार्क पर्पल है, ये मेरा दूसरा पैलेट का है, गैलेंजी पैलेट है. मैंने पहले भी पैलेट यूज़ किया है. सो वहाँ से मैंने डार्क पर्पल शेड लेके मैंने आउटर वी एरिया में लगाया है. एंड मैं यहाँ पे आईलिड्स के सेंटर में लगा रही हूँ ब्लू कलर. एंड उसके बाद क्या कलर लगाने वाली हूँ चलो बताओ बताओ. एंड मैं इसको लगाते हुए ब्लेंड कर रही हूँ एंड डिपॉजिटिंग एंड आई एम ब्लेंडिंग डिपॉजिटिंग. सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. एंड मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ब्लू एंड ग्रीन को अच्छे से मर्ज कर रही हूँ. सो यहाँ पे हो गया हम लोगों का कितना सारा आई शेडो चलो बताओ बताओ कमेंट में. देखते हैं कौन अच्छे से वीडियो को फॉलो कर रहा है एंड कौन कौन स्किप कर रहा है.
सो यहाँ पे हो गया हमारा ब्लेंडिंग एंड इनर कॉर्नर्स में एज यूजुअल लाइट रखने वाली हूँ एंड मैं पे यूज़ करी ऑफ वाइट कलर एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा गोल्डन शिमर देके मैं इसको और भी एनहेंस करी क्योंकि ब्राइडल लुक कर रहा है ग्लिटर एंड बहुत ही अच्छे से हमें काम करना है। एंड नेक्स्ट मैं ड्रॉ कर रही हूँ एंजल विंग आईलाइनर एंड आईलाइनर को ड्रॉ करने के बाद एंड मैं अच्छा खासा विंग बना रही हूँ बिकॉज यहाँ पे हम बंगाली रिसेप्शन लुक कर रहे हैं एंड बंगाली रिसेप्शन लुक मतलब टाना टाना आईलाइनर मतलब बहुत अच्छे से जो होता है ना विंग वाला आईलाइनर। सो यहाँ पे मैं आईलाइनर ड्रॉ करके स्मच कर रही हूँ एंड यहाँ पे स्मचिंग हो गया है एंड मैं जेल आईलाइनर को लॉक कर रही हूँ एक लिक्विड आईलाइनर से। सो माई ब्लेंडिंग इज़ डन एंड मैं C5 शेड ले रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का एंड मैं यहाँ पे उनके फेस में जो पिगमेंटेड एरियाज थे मैं वहाँ पे कलर करेक्ट कर रही हूँ। अब अगर आप लोग चाहें तो आप लोग सेम टोन ले सकते हैं बट मैं एक शेड लाइटर ले रही हूँ एंड मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगी ऑरेंज कंसीलर से। सो आप लोग ये चीज़ ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे मिला है, लाइक ऑरेंज कलर का एक स्टेन भी नहीं रहा एंड बहुत ही अच्छा सा फिनिश आया है। सो डू ट्राई, आप लोग दो चीज़ कर सकते हैं, आप लोग सिमिलर टोन का यूज़ कर सकते हैं या फिर दो चीज़ मिक्स कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने शेफोरा एंड शुगर का फाउंडेशन लिया है, एक है डार्क एक है लाइट एंड यहाँ पे मैं अच्छे से लगा के मैंने ब्लेंड कर दिया है। नेक्स्ट मैं कर रही हूँ फेस हाईलाइटिंग। सो फेस हाईलाइटिंग आप लोगों को पता है कि लाइट कंसीलर लेके ही हमें करना पड़ता है एंड आई नो दिस कंसीलर इज वे लाइट टू हर स्किन टोन बट ये ऑक्सीडाइज होता है। सो आप लोग को इंट्रो में आप लोगों ने देखा कि ऐसा कुछ वाइट नहीं लग रहा था उनका स्किन बिकॉज उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगी एंड यहाँ पे मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ जहाँ से मैंने कंसीलर लगाया है, कंसीलर हाईलाइटिंग किया है, हवा में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे यूज़ कर रही हूँ उनका आई एरिया को बचा के एंड आपके क्लाइंट को मेक श्योर बोलना कि आई को स्ट्रेट रखे, आई को श्रिंक कर लेते हैं वो चीज़ ना करे बिकॉज मेरे मॉडल ने किया था एंड ग्लिटर फॉल आउट्स हो गए थे। सो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, आई टोल्ड हर प्लीज़ डोंट श्रिंक योर आईज़ बट होता है समहाउ। एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ कॉन्टोर एंड कॉन्टोर करने के बाद चीज़ बहुत बैलेंस लगेगा एंड ऑक्सीडाइज होता ही है सो कोई इशू नहीं है एंड कॉन्टोर करने के बाद ब्लेंड करना है, ब्लेंड हर चीज़ में बहुत अच्छे से टाइम लेते हुए ब्लेंड करना है एंड मैंने इस चीज़ को लगभग 5 to 6 मिनट में ब्लेंड किया है बिकॉज ब्लेंडिंग इज़ द की टू अ गुड मेकअप। सो यहाँ पे ब्लेंडिंग चल रहा है एंड ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करना है, ब्लेंडिंग में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है एंड आलसी करना नहीं दिखाना है बिकॉज ब्लेंडिंग मस्ट है एंड जस्ट बिकॉज हर स्किन वॉज डस्की मैंने यहाँ पे यूज़ किया है येलो टोन में पाउडर। आप लोग दो चीज़ कर सकते हैं, आप लोग येलो टोन में यूज़ कर लीजिए या फिर बनाना पाउडर यूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि डस्की स्किन है, अगर हम लोग वाइट पाउडर यूज़ करेंगे जैसे कि शुगर का पाउडर वाइट होता है अगर वो चीज़ यूज़ करेंगे ना तो मेकअप ग्रेश हो जाएगा। सो वो करने के बाद मैंने माइग्लेम का वाइट पेंसिल यूज़ किया है एंड यहाँ पे मैं जेल लाइनर लगा के मैं नीचे वाटर लाइन के नीचे लैश लाइन जो होता है वो मैं स्मच कर रही हूँ यूजिंग द सेम डार्क कलर जो मैंने कि आउटर वी एरिया में मैंने लगाया था। सो आउटर वी एरिया में मैंने कौन सा कलर लगाया था वो मुझे कमेंट करके बताना एंड मैं इसको रिमूव कर रही हूँ एक्सेस पाउडर को एज यू कैन सी कि मैं यहाँ पे एक ब्रश के हेल्प से रिमूव कर रही हूँ एंड वी आर डन रिमूविंग द पाउडर। एंड गाइज डोंट वरी, आफ्टर अप्लाइंग द ब्लश हाईलाइटर बहुत ही अच्छा दिखेगा ये मेकअप। एंड यहाँ पे मैं पेन आईलाइनर से बहुत ही अच्छा सा शार्प विंग बना रही हूँ बिकॉज हर आई फीचर वॉज वेरी प्रिटी एंड मैं यहाँ पे एक फ्लफी ब्रश लेके पर्पल कलर स्मच कर रही हूँ विथ ग्रीन, पर्पल ग्रीन नहीं पर्पल एंड पिंक कलर मैंने लिया है एंड मैंने उसको नीचे स्मच किया है एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक का ब्लश पैलेट एंड बहुत ही पिंकी ग्लो देना है बिकॉज रिसेप्शन ब्राइड है एंड बंगाली लुक है तो पिंकी लुक होना ज़रूरी है। एंड उसके बाद मैं, आप लोग देखिए यहाँ पे मेरे मॉडल ने आई श्रिंक किया था तो इसीलिए ग्लिटर फॉल आउट्स हुए थे। सो ये फॉल आउट्स होने के बाद ना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है एडजस्ट करना। सो आस्क योर क्लाइंट्स और मॉडल टू नॉट श्रिंक योर आईज, मैंने कहा था बट शी वॉज अ बिट स्केर्ड। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हाईलाइटर, आप लोग कोई भी ब्रांड का हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने यूज़ किया गोल्डन हाईलाइटर बिकॉज डस्की स्किन में गोल्डन हाईलाइटर बहुत अच्छे से जाता है। सो यहाँ पे मेरा हाईलाइटर यूज़ करना हो गया है एंड आफ्टर सम टाइम द मेकअप विल ऑक्सीडाइज एंड इट विल लुक वेरी प्रिटी। सो या वी आर डन एंड यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलैशेस।
इसको आप लोग देख ही सकते हैं कि मेकअप अब बहुत अच्छा दिख रहा है, बेस ऑलरेडी बैठ गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है मेकअप एंड बहुत ही अच्छे से स्किन टोन के साथ मैचिंग हो गया है। एंड सॉरी यहाँ पे थोड़ा लाइट इशू हुआ था, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ रेड लिपस्टिक। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप यू गाइज हैव एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक एंड आई होप दिस वीडियो वॉज क्वाइट हेल्पफुल टू यू। एंड बहुत ही प्रॉब्लम होता है ऐसे स्किन में काम करने के लिए, सो आज मैंने आप लोग के साथ बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो स्किप किया है तो प्लीज़ पीछे जाके देखिए रिपीट में। एंड येस, अगर आप लोग को फेयर स्किन में मेकअप देखना है उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, बिकॉज मैं इस टाइम लेवल अप वीडियो लेके आने वाली हूँ। सो प्लीज़ डू कमेंट and drop your suggestion. Please do like this video, share this video and subscribe to my channel and help me grow. So Bengali bridal ke baad mein leke aagi hoon reception look. Please do try and tag me on my Instagram. I'll see you next time. Bye bye, take care and do loads and loads of makeup. Bye.